सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताबिश व्लॉग्स। तो भाई आज है 23rd of October और आज हमारा जा रहा है, देख सकते हो लोकेशन, देख के पता लग ही गया होगा, ये वही वाली रोड है। तो भाई हाँ, आज मैं तीन महीने बाद आया हूँ भाई AMU अपने कैंपस, क्योंकि भाई अभी रिजल्ट वगैरह आए थे, अभी काउंसलिंग वगैरह चल रही है, तो अभी एडमिशन्स वगैरह तो नहीं हुए हैं। तो लेकिन हमारा कैंप जा रहा था, तो फिर हम सारे क्लासमेट्स वगैरह आ गए जिन जिन के पास NCC थी। बाकी तो ये वाला व्लॉग होने वाला है, तो ये वाला व्लॉग होने वाला है कि कहाँ जा रहे हैं हम, कितने दिन का कैंप है, क्या क्या होता है कैंप में। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मेरा भी फर्स्ट मतलब पहला ही कैंप है। और ये रहा हमारा ऑफिस, और ये रहा हमारा ज्योग्राफी वाला डिपार्टमेंट, मतलब हमारा क्या AMU वालों का। तो बस अभी चलते हैं, अभी तो वैसे आ ही रहे हैं बच्चे, और बस वैसे तो आई नहीं अभी, लेकिन चलो 7 दिन का कैंप जा रहे हैं। और भाई साहब 4 दिनों से बारिश बंद नहीं हो रही है AMU में, पूरा मतलब स्विमिंग पूल बन चुका है अलीगढ़, क्या बोलूँ। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। तो भैया आ चुके हैं सारे, इतने सारे बच्चे, और टाइम देख रहे हो मतलब 7:39, कहाँ आना था 6:30 बजे, और इतने लेट लतीफ़ सब के सब, क्या बोलूँ। ये भाई साहब तो कुछ ज़्यादा ही है। भाई टाइम देखो ज़रा, 1:30 मतलब 6:30 बजे से वेट कर रहे थे, और अब 1:30 2:30 बजे मतलब पहुँचा भाई। और ये कैंप देखना पूरा भाई साहब जंगलों में है, पूरा मतलब पूरे जंगलों का सफ़र करके आए, एक घंटा लगा है। तो यहाँ कुछ बच्चे मतलब ये तो हमारा है भाई, दिखाता हूँ कैसे बैठे हैं कैसे नहीं। ये देखो भाई ऐसे यहाँ बैठे हैं सब, यहाँ से पूरा भाई। लेकिन सही है, कॉलेज तो सही है, लोकेशन भी अच्छी है, लेकिन बस वही है भाई टाइम बहुत लगा दिया, देख रहे हो मतलब 6:30 और कहाँ 1:30 बजे। तो भाई खाना खा लिया है, बर्तन धो लिए, और यहाँ पर खाना खाया जा रहा था। ये है अपना पूरा, यहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ है। तो चलो ऊपर चल के करते हैं बात आराम से, और विदाउट शूज़ खाना नहीं मिलेगा। आए थे कैंप करने, हो गई है दोबारा से बारिश, और ये 5वां दिन बारिश का, मतलब ये बारिश हमें ऐसा लग रहा है कैंप नहीं करने देगी, दिन पर बातें बारिश में ही शायद, क्या क्या शायद से, मतलब कुछ ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन शायद से करवा देंगे हम। तो लेकिन भाई हमने खाना बहुत सही टाइम पर खाया, देख रहे हो मतलब खाना खा के बस जस्ट आए हैं और यहाँ पर बारिश हो गई, क्या ही सही किस्मत है। लेकिन बेचारे ये वाले नहीं खाने पर खाना खा पाए। भाई ये सब्ज़ी आज की, और ये समीर भाई, और देख ही सकते हो पूरा यहाँ पे डाइनिंग का खाना चल रहा है। तो खाना खा के आगे बात करते हैं। और भाई ये है day 2 आज हमारे NCC का, और अभी हो रहा है टाइम 5:30, और नहीं 5:30 भी नहीं, 5 ही बज रहे वैसे। और जल्दी से ये ब्रश वगैरह करके ब्लॉग बना दिया, हाँ ब्लॉग। और ये सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ आदमी गुफरान भाई, हम इनकी भी एक हम इनकी वीडियो भी डालेंगे ब्लॉग में, फरहान वाली वीडियो। तो चलो बस ब्रश करके फिर हमारा PT वाला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, PT पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और जल्दी से फिर निकलते हैं यार, ब्रश करते हैं ज़रा चाय वाय पीते हैं, और लेट्स गो। और भाई देख सकते हो ये मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो ऐसे मिलता है कुछ खाना यहाँ पे। ये लाइन लगी हुई है बहुत लंबी लंबी, ये बाहर डाइनिंग हॉल बना रखा है, अगर बारिश होती है तो अंदर खा लेते हैं, नहीं तो बाहर। और ये देखो यहाँ पे सीनियर डिवीज़न वाला खाना मिल रहा है, और ये JD वाला। लेकिन क्या हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि सीनियर बच्चे भी यहाँ JD में घुसे हुए हैं, ये देखिए। तो चलो लेट्स गो, सुबह सोने देंगे फिर सुबह उसमें नहीं। अबे चुप चुप चुप, फरहान की भी तो है 2 बजे तक, फरहान की भी तो है 2 बजे तक, सबको करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी क्या? अरे बंदे तुम बताओ ना,